दो साल के इंतजार के बाद पीईटी की परीक्षा संपन्न होना शुरू हो गई। यूपी के बांदा में भी 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। जिले में सीमित संसाधनों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद के आने से विद्यार्थियों को तमाम असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की है और सुरक्षा के भी जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। बांदा में परीक्षा का पहला दिन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। कल 16 अक्टूबर को दूसरे दिन की परीक्षा की तैयारियां में जिला प्रशासन जुट गया है। आपको बता दें कि पीईटी परीक्षा के लिए बांदा जनपद में 30 सेंटर बनाए गए, जिनको 16 सेक्टरों में बांटा गया। सुचितापूर्ण सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 20 स्ट्रैटेजिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। बांदा में 30,336 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आज आए हुए हैं और आज की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों को तमाम तरह की असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा और परेशान परीक्षार्थियों का कहना था कि इतनी दूर दराज परीक्षा सेंटर ना बनाए जाते तो उन्हें परीक्षा देने के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए 3 स्कूल बुक किए गए हैं ताकि वो रात भर आकर इन स्कूलों में आराम कर सकें और सुबह अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। तो वहीं महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा को लेकर भी डीएम बांदा ने खास इंतजाम किए हुए हैं। महिला पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है ताकि महिला परीक्षार्थियों के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना या छेड़खानी जैसी घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के बाहर पेयजल का भी समुचित इंतजाम जिला प्रशासन ने किया। परीक्षा संपन्न कराने की सभी तैयारियों की जानकारी देते हुए DIOS विनोद सिंह का कहना है कि आज की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है और कल भी परीक्षा जारी रहेगी, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। ममता यादव। ममता यादव जी, आज आपका एग्जाम था। बबीता यादव। बबीता यादव, आपका एग्जाम था, कहां से आई हैं? हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज। 200 किलोमीटर का सफर करने में किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतना भीड़ थी कि कैसे आए हो हम नहीं लोग जानते हैं, मतलब बिना सोए बिना बैठे ऐसे बस चले आए हैं। अब जाने में और भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम फिलहाल ठीक ही था, मतलब जैसे कि बहुत पेपर के हिसाब से ठीक ही था, जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब बिना पढ़ा हुआ नहीं आया था, सब पढ़ा हुआ ही आया था। सरकार से क्या मांग करती है, ऐसे इस तरीके एग्ज़ामों में किस तरीके की योजनाएं लाभ मिलना चाहिए? मतलब पेपर तो ठीक था, बस सरकार से मांग करते हैं कि सेंटर इतना दूर ना भेजे, बस यही है और बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। आलोक जी, आप कहाँ से आए हैं? आज आपका एग्ज़ाम है और पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, कैसा लग रहा है? किस तरीके की तैयारियां की हैं? बढ़िया की है। 200 किलोमीटर दूर आपका सेंटर पड़ा है, आपको किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, सुबह बाइक से आना पड़ा। इसमें क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सेंटर इतना दूर ना दिया। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह जी, कहाँ से आए हैं? हम जो है कौशाम्बी मंझनपुर से आए हैं। आज आपका पेपर है, किस चीज़ का पेपर है? और यूपी ट्रिपल एससी का जो है, यूपी पेट प्रीवियम एलिजिबिलिटी टेस्ट का है जी। 60-65 किलोमीटर की। काफ़ी दिन बाद एग्ज़ाम हो रहा है, किस तरीके की खुशी है आपको? काफ़ी दिन बाद एग्ज़ाम, बहुत अच्छी है, खुशी है। किस तरीके की तैयारियाँ की हैं? तैयारी बढ़िया है। 200 किलोमीटर दूर पड़ा है सेंटर, इसमें किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा? दिक्कत क्या है, बाइक से आना पड़ा है और सेंटर जो ट्रिपल से बनाएगा तो वहाँ जाना ही पड़ेगा ना। सर, आज किस तरीके का पेपर आयोजित किया गया है और क्या है? आज पेट परीक्षा 2022 का पेपर है, चल रहा है, जिसमें 2 दिन परीक्षा होनी है। आज प्रथम पाली परीक्षा हो चुकी है और दूसरी पाली 3 बजे से चालू होगी और इसी तरह 16 तारीख को भी 2 पालियों में परीक्षा होगी। इसकी व्यवस्था के लिए जनपद लेवल पर हमारे यहाँ 30 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 30,336 बच्चे अभ्यर्थी के रूप में यहाँ अलाटेड हैं और उनके लिए 16 सेंटर बने हुए हैं और 16 सेंटर, इसके साथ साथ जो है 5 सेंटर मजिस्ट्रेट बने हुए हैं
और 20 जो है हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। और इसके साथ ये जानिए कि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ के साथ किसी तरह का कोई समस्या न पैदा हो रात में, जहाँ कहीं रुके हैं, रुकने की व्यवस्था के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब को निर्देश दिया गया है डीएम साहब के द्वारा कि यहाँ के जो होटलों को निर्देशित करें कि बच्चों को यदि होटल में जाते हैं तो उनको प्रीफर करें, पहले उनको दिया जाए। और रेलवे और क्या कहते हैं रोडवेज पर स्पेशल पुलिस की व्यवस्था करी गई है, मैं जो है महिला पुलिसकर्मी के साथ, जिससे कि बच्चों जो आते हैं बच्चे उनके साथ महिला भी बच्ची आते हैं और गार्जियन भी आता है, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ी या अभद्र घटना घटना घटे। और हम लोगों ने 3 विद्यालय को वो सुरक्षित किया है, जिसमें बच्चे रात में अगर पहुंचते हैं तो उनके कम से कम जो एक सेट मिल सके, ऐसी स्थिति में विद्यालय को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि बच्चे पहुंचे तो उनको जो है उनको रहने के लिए कमरे खोल दें और लाइट पानी की व्यवस्था कर दें, ताकि रात रुक कर सुबह जो है अपने वो स्थल पर पहुंचें। इस तरह की तमाम सुविधाएं करी गई हैं और हर सेक्टरों पर एक पुलिस बल लगी हुई है, जिसके साथ 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल के साथ एक एसआई महोदय के हैं। और इसके साथ साथ जो कंपनी सी है, जो एजेंसी इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कर रही है, सेवा चयन की जो परीक्षा है उसकी जो है कंपनी है, जिसमें सी कंपनी जो होती है, सी एजेंसी जो है वो सुरक्षा के संबंधी कार्रवाई कर रही है और ए एजेंसी जो है परीक्षा का ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसके सहयोग में हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है, जिससे किसी प्रकार की नकल विहीन परीक्षा में बाधा ना हो सके। और इसके लिए रोडवेज का भी सहयोग लिया गया है, रोडवेज को भी निर्देशित किया गया है कि जो बाहर एक सेंटर मेरा बाहर पड़ रहा है वहाँ पर